मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को कबीरधाम जिले के विधानसभा क्षेत्र पंडरिया अंतर्गत ग्राम इंदौरी पहुंचे, जहां उन्होंने गांव में स्थित चंडी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली समृद्धि की कामना करी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जगह जगह पर ग्रामीणों, महिलाओं और बच्चों ने फूल और नारियल भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री और कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर और पंडरिया विधायक श्रीमती ममता चंद्राकर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि नवरात्रि की पावन बेला में आप लोगों के बीच आया हूं, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वहीं उन्होंने कहा कि इस वर्ष पानी बहुत गिरा है, फसल अच्छी है, किसान खुशहाल है। सबसे पहले हमने किसानों का ऋण माफ किया, उनके हित में लगातार कार्य कर रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त दिवाली के पहले 15 अक्टूबर को दी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा 2500 रुपए में धान खरीदी पर असहयोग के बाद भी हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम दिया। 4 मई से भेंट मुलाकात का सिलसिला चल रहा है, लोगों से मिल रहे हैं, बातें हो रही है, योजनाओं का फीडबैक भी मिल रहा है। मंत्रिमंडल में चर्चा करें भाई, हम तो किसान से वादा करें कि 2500 रुपए खरीदो, लेकिन केंद्र सरकार अड़ंगा लगा थे, कैसे रास्ता निकाला जाए। तो फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना, तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना पहले साल 10,000 रुपए थे, दूसरा साल 9,000 रुपया, और पिछले साल के 4 किस्त परिवार के भी 4 किस्त और ये साल के अभी 2 किस्त अभी तक के आ गए। तीसरा किस्त 1 नवंबर के देते हैं, तो मतलब पता है 21 मई के राजीव जी के पुण्यतिथि पढ़ते तो उम्मीद देते हैं, 20 अगस्त के राजीव जी के जयंती पर से देवे देते हैं, वो समय 21 मई देते हैं तो खेती किसानी शुरुआत करे पर पैसा काम आ जाते हैं।